नमस्कार, स्वागत है आपका नर्सिंग की टी यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विस। आज अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो फीमेल पेल्विस है वो क्या है और कितने इसके प्रकार होते हैं, कंप्लीट अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, मेल वर्सेस फीमेल पेल्विस। भाई जो मेल का पेल्विस है वो यहाँ पर देख सकते हो नैरो और प्यूबिक आर्च के साथ होता है, जबकि जो फीमेल का पेल्विस है यहाँ पर आप देख सकते हो वो कैसा, बिल्कुल वाइड और प्यूबिक आर्च के साथ होता है। ये क्या होता है, मेल का नैरो होता है जबकि फीमेल का थोड़ा वाइड होता है इसका प्यूबिक आर्च। ये तो अपन ने यहाँ पर बात कर ली मेल वर्सेस फीमेल पेल्विस की। नेक्स्ट अपन चलते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है फीमेल पेल्विस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डायमीटर इनटू फोर मेन टाइप। भाई जो फीमेल पेल्विस है इसको क्लासिफिकेशन के हिसाब से चार भागों में बांटा गया है। अब चार टाइप कौन कौन से हैं, सबसे पहला यहाँ पर जो टाइप है उसका नाम है गाइनेकोइड पेल्विस, नेक्स्ट है एंड्रॉयड पेल्विस, नेक्स्ट है एंथ्रोपोइड पेल्विस और लास्ट है प्लेटीपोइड पेल्विस। जो फीमेल पेल्विस इसको चार भागों में बांटा गया है, गाइनेकोइड, एंड्रॉयड, एंथ्रोपोइड और प्लेटीपोइड। नेक्स्ट, और ये किस प्रकार से बांटा गया है यहाँ पर आप देख सकते हो, बेस्ड मेनली ऑन द शेप ऑफ द पेल्विक इनलेट। जो पेल्विक इनलेट होता है उसके बेसिस पे इसको बांटा गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक एक करके इनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो फीमेल पेल्विस का ये डायग्राम है, और इसमें देख सकते हो ये जो जॉइंट है सैक्रो इलियक जॉइंट है, जो सैक्रल और इलियक बोन के बीच में है, ये इलियक क्रेस्ट है, ये इलियम बोन है, ये सैक्रम बोन है, देन ये कोकिक्स है, इसके अलावा ये फीमर बोन है, और ये जहाँ पर जो दोनों क्या जो दो बोन जुड़ रही हैं, दो प्यूबिस बोन जुड़ रही हैं, वहाँ पर क्या बनेगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट बनेगा। इसके अलावा ये इस्चियम है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस ये मिलकर क्या क्या बना रही हैं, ये इननोमिनेट बोन होती है। इसके अलावा सैक्रम और कोकिक्स ये सारी बोन मिलकर के फीमेल पेल्विस का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे एक एक करके अब इनको देखते हैं। सबसे पहला है गाइनेकोइड पेल्विस। अब देख सकते हो गाइनेकोइड पेल्विस के बारे में यहाँ पर बताया गया कि गाइनेकोइड पेल्विस क्या है, जनरली कैरेक्टराइज ए वुमेन इट बोन्स स्ट्रक्चर एंड देयर फोर इट्स सेप। गाइनेकोइड का मतलब क्या होता है, मोस्टली एक वुमेन की पेल्विस है, मतलब गाइनेकोइड का मतलब ये कि वुमेन से जुड़ा हुआ है। गाइनेकोइड पेल्विस क्या होती है, मोर डेलिकेटेड होती है, इसके अलावा वाइड होती है, चौड़ी होती है, नॉट एज हाई एज द मेल पेल्विस, मेल पेल्विस की तुलना में ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। द एंगल ऑफ द फीमेल पेल्विस आर्च इज वाइड एंड राउंड। इसका जो एंगल होता है वो कैसा होता है, वाइड होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, बल्कि राउंड होता है। याद रखिएगा गाइनेकोइड पेल्विस का सीधा वर्ड मतलब है वुमेन से। देन इसका जो आर्च होता है वो कैसा होता है, फीमेल प्यूबिक आर्च बिल्कुल वाइड होता है और राउंड होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, और सेकंड टाइप है वो देख सकते हो, उसका नाम है एंड्रॉयड पेल्विस, और एंड्रॉयड का वर्ड सीधा आ जाएगा मेल पेल्विस से। ये कैसा होता है, थोड़ा सा क्या होता है, रोबस्ट होता है, नैरो होता है, छोटा होता है और लंबा होता है, किसकी तुलना में, फीमेल पेल्विस की तुलना में टालर होता है। द एंगल ऑफ द मेल प्यूबिक आर्च एंड द सैक्रम आर नैरो। इसका जो क्या होता है, जो एंगल बताया गया है वो कैसा होता है, नैरोवर होता है प्यूबिक आर्च और सैक्रम का, कंपेयर टू फीमेल पेल्विस गाइनेकोइड पेल्विस। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, इमेज के अंदर यहाँ पर बताया गया है, ये वाइड एरिया यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड नंबर का जो पेल्विस है, और उसका नाम है प्लेटीपोइड पेल्विस। यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्लेटीपोइड पेल्विस, इसे क्या कहा जाता है, इसे फ्लैट पेल्विस भी कहा जाता है, और ये सबसे लीस्ट कॉमन टाइप का, मतलब सबसे कम पाया जाता है। इट इज़ वाइड, चौड़ा है, बट क्या है, सेलो है, और रिजेंबल एंड एग और ओवल, ये क्या है, एक अंडे जैसा है, क्या ये एक अंडे जैसा है, ये एक अंडे या फिर ओवल शेप जैसा होता है प्लेटीपोइड पेल्विस। नेक्स्ट आ जाते हैं जो फोर्थ टाइप है, और उसका नाम है एंथ्रेपोइड पेल्विस। एंथ्रेपोइड पेल्विस क्या है, नैरो और डीप होता है, क्या नैरो होता है, छोटा होता है, इसके अलावा डीप होता है, और इसकी शेप कैसी होती है, सिमिलर एंड अपराइट एग, ये बिल्कुल कैसा होगा, एग या ओवल के जैसा होगा, बट क्या होगा, ये लंबा होगा, मतलब पतला होगा बट लंबा होगा, ये हो गया एंथ्रोपोइड पेल्विस। तो इस प्रकार से जो फीमेल पेल्विस, उसको चार भागों में बांटा गया था, चारों अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहला अपन ने डिस्कस किया था गाइनेकोइड पेल्विस, देन एंड्रॉयड, देन एंथ्रोपोइड और लास्ट प्लेटीपोइड पेल्विस। नेक्स्ट
यहाँ पर आप, ये एक इमेज है जिसके अंदर आप इजीली क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये गायनेकोइड पेल्विस जो कि राउंड शेप है, ये प्लेटीपोइड पेल्विस है जो क्या है, क्या है, वाइड है, और क्या है, वाइड है, इसके अलावा ऊपर से शॉर्ट है। जबकि ये क्या है, एंड्रॉइड पेल्विस है, और ये एंथ्रोपोइड पेल्विस है, क्या है, ये टाल है बट ये यहाँ से क्या है, नैरो है, और ये यहाँ से क्या है, वाइड है बट यहाँ से ये शॉर्ट है। क्लियर है, प्लेटीपोइड और एंथ्रोपोइड, गायनेकोइड और एंड्रॉइड की पिक्चर आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे डायमीटर की अपन बात करते हैं तो देखिएगा जो फीमेल पेल्विस है इसको 3 अलग अलग कैविटीज़ में बांटा गया था, पेल्विक इनलेट, नेक्स्ट पेल्विक कैविटी और लास्ट पेल्विक आउटलेट। अब तीनों अलग अलग भागों में, कैविटी में तो बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया फीमेल पेल्विस को, पेल्विक इनलेट, कैविटी और आउटलेट। इनके जो डायमीटर थे, तीनों के अलग अलग डायमीटर आते हैं। अब देखिएगा जो पेल्विक इनलेट है इसका एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, ये है एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, ये है ओब्लिक डायमीटर, ये भी ओब्लिक है, और ये है ट्रांसवर्स डायमीटर। अब देखिएगा जो पेल्विक इनलेट है इसका जो एंटीरियो पोस्टर डायमीटर होगा वो 11 सेंटीमीटर होगा, ट्रांसवर्स होगा इसका 13 सेंटीमीटर और ओब्लिक होगा इसका 12 सेंटीमीटर। जबकि कैविटी में क्या होता है, कैविटी बिल्कुल राउंड होती है, इसलिए तीनों जो डायमीटर होंगे एंटीरियो पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स और ओब्लिक, ये तीनों ही क्या आएंगे, 12 सेंटीमीटर आएंगे। जबकि पेल्विक जो आउटलेट है इसका एंटीरियो पोस्टीरियर तो कितना होगा, 13 सेंटीमीटर, ट्रांसवर्स 11 सेंटीमीटर और ओब्लिक को भी अपन 11 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर की अप्रोक्स मान सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर जो पेल्विक है, पेल्विक कैविटी है, पेल्विक इनलेट है, पेल्विक आउटलेट है, इनके डायमीटर की अपन ने यहाँ पर बात कर ली है। नेक्स्ट अब अपन यहाँ पर बात करेंगे लैंडमार्क ऑफ द फीमेल पेल्विस। लैंडमार्क का मतलब क्या है, एक बोनी फिक्स पॉइंट वेयर फीटस कम इन कॉन्टेक्ट विद मैटरनल पेल्विस एट टाइम ऑफ इंगेज इट। जब डिलीवरी होती है जो बेबी का जो फीटस होता है उसका जो हेड होता है, मैटरनल जो मदर की जो पेल्विस होती है उस पेल्विस के अंदर एक फिक्स जगह पे आके रुक जाता है, तो जहाँ जिस पॉइंट पे रुकता है, जहाँ पर वो इंगेज होता है, उन पॉइंट के बारे में यहाँ पर बताया गया जिसे लैंडमार्क कहा जाता है। तो टोटल कितने, टोटल 9 लैंडमार्क होते हैं, बिल्कुल सीरियल में आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है सिम्पाइसिस प्यूबिस, जहाँ पर दो प्यूबिक बोन जुड़ती हैं, सिम्पाइसिस प्यूबिस होता है। नेक्स्ट है प्यूबिक क्रेस्ट, नेक्स्ट है प्यूबिक ट्यूबरकल, नेक्स्ट है पेक्टोनियल लाइन, नेक्स्ट इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, नेक्स्ट है इलियोपेक्टिनियल लाइन, नेक्स्ट सैक्रो इलियक जॉइंट जहाँ पर सैक्रम और इलियक बोन जुड़ती हैं, नेक्स्ट एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सैक्रल एला और लास्ट है सैक्रल प्रोमोंट्री। ये 9 जो बिल्कुल फिक्स्ड पॉइंट हैं जहाँ पर एक फीटस मैटरनल पेल्विस के कॉन्टेक्ट में आके इंगेज होता है, इनको आपको याद रखना है बिल्कुल सिक्वेंस के अंदर। ये हो गया लैंडमार्क। नेक्स्ट अब अपन यहाँ पर चलेंगे जो टोटल जो आपने 4 पेल्विस पढ़े हैं उन चारों के अंदर क्या डिफरेंस होता है उनको अपन यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो ब्रिम देखते हैं, भाई इनकी ब्रिम कैसी होती है, तो जो गायनेकोइड पेल्विस है मैंने आपको बताया था राउंड शेप होती है इसकी, जबकि एंड्रॉइड की क्या होती है, हर्ट शेप या फिर ट्राई एंगुलर होती है, जबकि एंथ्रोपोइड क्या था, लंबा अंडे जैसा था, और प्लेटीपोइड बिल्कुल फ्लैट था किडनी के जैसा। पेल्विस की बात करते हैं तो पेल्विस कैसी होगी, इसकी जेनरस होगी, ये थोड़ी नैरो होगी, फिर ये भी नैरो होगी, और प्लेटीपोइड थोड़ी सी वाइड होगी, चौड़ी होगी। साइड वॉल कैसी होंगी, इसकी स्ट्रेच होंगी, इसकी कन्वर्जेंट होंगी, इसकी डाइवर्जेंट होंगी और इसकी डाइवर्जेंट होंगी। जो पेल्विस है फीमेल पेल्विस बड़ा लॉन्ग टॉपिक है बट अपन यहाँ पर इसको शॉर्ट में कवर कर रहे हैं, तो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। बात करते हैं इस्चियल स्पाइन, तो ये क्या होगी, नॉट प्रोमिनेंट होगी गायनेकोइड के अंदर और एंड्रॉइड के अंदर प्रोमिनेंट होगी, जबकि एंथ्रापोइड और प्लेटीपोइड में नॉट प्रोमिनेंट होगी। अब बात करते हैं सब प्यूबिक एंगल की, सब प्यूबिक एंगल कितना होगा, गायनेकोइड का 90 डिग्री, इसका लेस देन 90, इसका 90 डिग्री से भी कम, सॉरी 90 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से ज़्यादा। बात करते हैं इंसिडेंस कितना होता है कि कितने परसेंट फीमेल में ये पेल्विस पाया जाता है, तो अपन यहाँ पर इंसिडेंस देख रहे हैं एशियन वुमेन के अंदर तो लगभग 50% महिलाओं में गायनेकोइड पेल्विस होता है, 20 में एंड्रॉइड, 25 में एंथ्रापोइड और सिर्फ 5% केसेस में प्लेटीपोइड पेल्विस देखने को मिलता है। क्लियर है, यहाँ पर ये अपन ने बात कर ली है जो नॉर्मल पेल्विस है उसके वेरिएंट की। तो देखिएगा यहाँ पर आज की इस वीडियो में अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है, सबसे पहले मेल और फीमेल पेल्विस के बारे में बता दिया, फीमेल पेल्विस के 4 टाइप होते हैं और चारों टाइप को एक एक करके अपन ने यहाँ पर कंप्लीट देखा है, लैंडमार्क देख लिया और नॉर्मल जो पेल्विस है उसके क्या वेरिएशन होते हैं सबको अपन ने यहाँ पर
पर डिस्कस कर लिया है। और फाइनली यहाँ पर अपना टॉपिक एक बिल्कुल शॉर्ट के अंदर पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करके आप में सपोर्ट कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे और प्यारे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसी वीडियो का आनंद लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।